नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं आर पार का एक्सप्लोसिव एडिशन लाइव। क्या पाकिस्तान का पालतू आतंकी हाफिज सईद धर्म की आड़ में भारत के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है? क्या बॉर्डर पर भारतीय सेना के हाथों बार बार पिटने के बाद अब पाकिस्तान भारत में धार्मिक जिहाद की तैयारी कर रही है? ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में ऐसी खबर सामने आई है कि आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तलों से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि दिल्ली से मात्र 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद बन रही थी। बननी चाहिए, कोई दोराय नहीं है, लेकिन जिसे लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि यह मस्जिद लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज सईद के पैसे से तैयार हो रही थी। ये खुलासा सीधे तौर पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन आखिर क्यों धार्मिक जिहाद पर उतर आया है आतंकी हाफिज सईद, इसका भी आज हम खूब विश्लेषण करेंगे। और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ये मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा का है, हिंदुस्तान में हाफिज का धार्मिक जिहाद, आज का आर पार इसी पर। यहां से इस्लाम की वो कुवत खड़ी हो रही है कि जो पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इंकलाब बरपा कर देगी। पाकिस्तान सरकार की गोद में बैठकर आतंक का खेल खेलने वाले आतंकी हाफिज सईद के नए जिहादी प्लान को जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मजहब की आड़ में युवाओं को आतंक का पाठ पढ़ाने वाला ये आतंकी अब भारत में धार्मिक जिहाद का खेल खेल रहा है और इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में सामने आया है कि हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद बनाने के लिए कथित तौर पर आतंकी हाफिज सईद के NGO फलाह इंसानियत ने फंडिंग की है। टेरर फंडिंग मामले की आड़ में जब NIA ने मस्जिद के इमाम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तब इस बात का खुलासा हुआ। ऐसे हो जाएगा तो उस मस्जिद को तोड़ना चाहिए। लश्करे तैयबा की बनी हुई है, उनके पैसे नहीं है, ऐसा कहूंगा, परंतु ये पहले NIA को सिद्ध करना पड़ेगा। उग्रवाद का कोई रंग नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भी देश विरोधी गतिविधियों में अगर संलिप्त पाया जाए, कठोर से कठोर कार्यवाही उसके खिलाफ होनी चाहिए। मस्जिद में, किसी और धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी राजद्रोही गतिविधियों में शामिल संस्था का कोई भी किसी भी रूप में हिस्सेदारी है तो उसमें कानून अपना काम करेगा। NIA ने पुख्ता जानकारी के आधार पर अपनी कार्रवाई की है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा है कि उन्हें NIA की रिपोर्ट में ही खोट दिख रहा है। ये रिपोर्ट उनके गलत है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ, किसी ने कोई चुगली करी है या किसी ने कोई मुखबिरी करी है। जब भी लोगों को मालूम होता है कहीं पर मस्जिद बन रही है तो वो खुद आकर कंट्रीब्यूशन देते हैं और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता, कोई रसीद बुक भी नहीं होती। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद आतंकी हाफिज बेचैन है। कश्मीर में लगातार उसके पालतू आतंकियों का काम तमाम हो रहा है। इसी बौखलाहट में हाफिज PM मोदी को मारने की धमकी तक दे चुका है। कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। मोदी कहता खून मैंने दिया और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप रही रहूंगा, तेरी जुबान इंशाल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे, सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या मस्जिद के लिए टेरर फंडिंग करके आतंकी हाफिज कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदुस्तान में हाफिज का धार्मिक जिहाद। आप देख रहे हैं आर पार और हाफिज के धार्मिक जिहाद का विश्लेषण आपको सुनाते हैं। आतंकी हाफिज सईद के पैसे से बन रही थी मस्जिद, मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में जड़े जमाने की ये बड़ी साजिश है, बड़ा पर्दाफाश है उसका NIA द्वारा। जो लोग NIA की जांच पर सवाल उठा रहे हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। बॉर्डर पर सेना ने मारा तो धार्मिक जिहाद का सहारा, कश्मीर के नाम पर भी
चल रही है इस्लाम की जंग। हाफिज सईद कई बार कह चुका है कि मस्जिदों की आड़ में हाफिज रच रहा है एक बड़ी साजिश, क्या इसकी बहुत बड़ी पड़ताल होनी चाहिए। और आज की इस बहस में मेरे साथ तमाम दिग्गज है। मेरे साथ डॉक्टर आत्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है चरण सिंह सापना, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ आज की इस बहस में वसीम रिजवी है, अध्यक्ष शिया बोर्ड के, जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि कुछ मस्जिदों के अंदर ऐसा होता है, आतंकी फंडिंग होती है, ये खुलासा किया था वसीम रिजवी साहब ने। फहीम बेग है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, अतिकुर रहमान है, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जाकिर नायक का कई बार पक्ष रखते रहे हैं। संबित पात्रा, आज की डिबेट को मैं आपसे ओपन करता हूं बिना लाग लपेट के। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी खतरे की घंटी नहीं है कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एनआईए एक जांच करती है और पता लगता है कि उस मस्जिद के लिए पैसे लश्कर का मुखिया आतंकी हाफिज सईद दे रहा है पाकिस्तान में बैठकर। और यहां पर कुछ लोग इस देश में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यह जांच कैसे हो रही है। देखिए अमीश भाई, दिल्ली से चाहे 60 किलोमीटर हो, 70 या 80 किलोमीटर हो, अगर हिंदुस्तान के परिसर के अंदर, हिंदुस्तान के प्रांगण में, किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में इस प्रकार का मस्जिद बनता है तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत चिंता का विषय है। और हाँ, ये हिंदुस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, आंतरिक सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल, बहुत ही सीरियसली इस विषय को सरकार देख रही है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा और आप भी मानेंगे कि देखिए, पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी वैचारिक और अपने धार्मिक आस्था को हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहा है जी। आप जेएनयू में देखिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी प्रकार का एक वैचारिक स्तर के ऊपर, एक इंटेलेक्चुअल स्तर के ऊपर अभी मनन वानी के साथ कुछ लोग खड़े हुए, पाकिस्तान के पक्ष में, जिहाद के पक्ष में खड़े होते हुए, किस प्रकार जिन्ना के वहां पर फोटो लगे उसके पक्ष में भी हिंदुस्तान के नेता और हिंदुस्तान के कुछ बुद्धिजीवी बोलते रहे। जेएनयू में भी हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह के नारे लगे तो राहुल गांधी सरीके बड़े नेता जाके उनके साथ खड़े होते हैं। और आज जब मस्जिद बनती है हाफिज सईद के पैसे पर, याद करिए राम मंदिर पर चर्चा होता है, राम मंदिर कैसे बनेगा उसके विषय में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आते हैं, मगर हाफिज सईद को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता दौड़ के चले आते हैं। तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक विमर्श देश के अंदर, जो पाकिस्तान परस्त विमर्श है, वो जरूर है। सिद्धू ने परसों क्या बोला? सिद्धू ने बोला ये तमिलनाडु अच्छा नहीं है, ये आंध्र प्रदेश अच्छा नहीं है, साउथ इंडिया अच्छा नहीं है, मेरा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान का खाना मेरे जैसा, पाकिस्तान का पहनावा मेरे जैसा, मैं दोबारा पाकिस्तान जाऊंगा, कमर बाजवा को चूमूंगा, एग्जैक्ट शब्द है, ना केवल गले लगाऊंगा मगर चूम लूंगा। नहीं, ठीक नहीं है अमीश भाई, नहीं गले, आपको देखना होगा नहीं ना, प्रकार का विमर्श कुछ लोग यहाँ इस देश में बनाने की कोशिश की। लेकिन मेरी डिबेट सिद्धू पे नहीं है, ये सिद्धू से बड़ी बहस है सर, ये सामान्य डिबेट आज हम नहीं कर रहे, ये धार्मिक जिहाद के नहीं, सिद्धू नहीं है, ये बहस एक विमर्श के ऊपर है जी। ओके, मैं देखिए कश्मीर के अंदर वहाबिज्म, ऐसे ही मस्जिद, हजारों ऐसे मस्जिद कश्मीर के अंदर वहाबिज्म के नाम पे खुले हुए हैं। और आप जानते हैं विगत 70 वर्षों में ये कुकुरमुत्तो की तरह, कुकुरमत्ते मतलब अंग्रेजी में मशरूमिंग कहा जाता है, ये जो मशरूमिंग हुआ है वहाबिज्म का, ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसमें हम सबको एक होना होगा। इस डिबेट में दो मत नहीं होने चाहिए, एक ही मत होना चाहिए और वो मत हिंदुस्तान का होना चाहिए। चरण सिंह साहब, 2010 से ये मस्जिद बन रही थी, रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि आतंक का कोई रंग नहीं होता, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आतंक का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वही हाफिज सईद प्रधानमंत्री को भी मारना चाहता है, उनकी सांसें भी बंद करना चाहता है और इस मस्जिद में फंडिंग भी कर रहा है, बताइए। देखिए अमीश जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, चिंताजनक बात है कि आईएसआई, सुनिए ना, अरे सुनिए, अभी संबित सुन लीजिए, आपने बहुत बोला, लंबा बोला है आपने। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, चिंताजनक बात है, और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। देखिए, हैरत की बात है कि आईएसआई अगर अपने पैर फैला रही है, हम सोचते थे जम्मू कश्मीर तक फैला रही है, लेकिन आज हमको नजर में आ रहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान और हाफिज सईद जो है वो दूसरे राज्यों में भी, यानी हरियाणा जैसे राज्य जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर भी अपने पैर फैला रहे हैं।
तो ये चिंताजनक मुद्दा है, इसको आप डिफ्लेक्ट मत करिए। ये सिद्धू का नाम लेकर के या कोई और ऐसी बातें करके सिद्धू को लेकर आ रहे हैं बीच के अंदर, ये आपकी सिद्धू तो जो आईएसआई को चलाता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। अभी अभी मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए ये बात गलत है। देखिए राज्य की सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी है, केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी है। इनको अपनी इंटेलिजेंस पुख्ता करनी चाहिए, इनको ऐसे कड़े इंतजाम करने चाहिए कि इस तरह की घटना आगे से न हो। और एनआईए ने जो कार्रवाई अभी करी है या एनआईए जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर सख्त आगे चल करके इनको उसके ऊपर जो भी करना है वो करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब नोटबंदी लाए थे तब उन्होंने कहा था कि टेरर फंडिंग जो है वो बंद हो जाएगी, तो और अभी टेरर फंडिंग के तरह से चल रही है। आप बंद करिए अभी, इधर हाफिज सईद को कोच लीजिए। समझ पाता हूं, 15 सेकंड आपको देता हूं रिस्पांस, 15 सेकंड में रिस्पांस का मुद्दा है, 15 सेकंड में रिस्पांस को डिफ्लेक्ट मत करिए, कहने का तात्पर्य यही है। समित पाता 15 सेकंड, 15 सेकंड शांत हो जाए तब मैं रिस्पोंड करूंगा ना जी। 15 सेकंड समित। देखिए अमीश भाई, जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, याद करिए 2013 में राहुल गांधी जी ने मुजफ्फरनगर रायट्स के पश्चात में भाषण दिया था और कहा था कि जो मुसलमान युवक यहां पर हताहत हुए हैं और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है समाजवादी पार्टी के समय, में वो रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। पिछली बातों पे क्यों जा रहे हो आप? फिर मैं भी पीछे बोल सकता हूँ। देखिए केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं अमीश जी ये अपने इंटेलिजेंस पे ठीक है, उनको बात तो रखने देंगे आप। फिर मैं भी बीच में बोल सकता हूँ लगातार। अरे चरण सिंह छापरा मस्जिद 2010 से बन रही थी। चरण सिंह छापरा 2010 में किसकी सरकार थी? हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बताइए आप। 2010 से मस्जिद बन रही है ये। 2010 में किसकी सरकार थी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक? पता है आपको? भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम थे हरियाणा के और देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे। बताइए मुझे, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बात अगर आप निकालेंगे तो दूर तक चली जाएगी। आप मुझे ये बताइए, क्या एनआईए ने ये आज प्रूव कर दिया है कि 2010 से हाफिज सईद इसको फंडिंग कर रहा था? क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप दूसरे के ऊपर? चलाएंगे तो डिबेट कैसे होगा? मैं भी चिल्ला सकता हूं इनके बीच में। मैं ऑडियो दोनों पॉलिटिकल गेस्ट का ऑडियो डाउन कर रहा हूं। मैं अब जाता हूं, मेरे साथ वसीम रिजवी भी है, अतिकुर रहमान भी है। वसीम रिजवी, ये कौन सा मॉडल है जिसके थ्रू भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है? क्योंकि आपने पहले भी कहा था कई मस्जिदों में टेरर फंडिंग होती है, तब आपको टारगेट किया गया था। देखिए बात जो कही गई थी वो बिल्कुल सच है, धीरे धीरे सामने आ रही है। धर्म की आड़ लेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद तबाह करना चाहता है, उनके हाथ में असलहा देना चाहता है, उनके नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करना चाहता है, ये सब उसकी तैयारी है। मैंने बात साफ कही थी, बगैर डरे कही थी। लोग उस पर कमेंट जरूर करते हैं, लेकिन बात सामने आएगी। आप देखिए आज इस मस्जिद का बात आई, आज ये बात खुलासा हुआ कि आतंकी फंडिंग हो रही है। आतंकी बहुत से ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान में, आप उसको मस्जिदों को पाकिस्तान में भी चंदा दे सकते हो। हिंदुस्तान में किसी मस्जिद को चंदा देना यानी कि तुम हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं रखते, यहां के मुसलमानों से भी मोहब्बत नहीं रखते। तुम सिर्फ फंडिंग इसलिए यहां कर रहे हो कि यह मस्जिद तैयार हो, तुम्हारे पैसे से तैयार होगी तो तुम्हारे लोग उसमें नमाज पढ़ाएंगे, तो वहां से जिस तरह का मैसेज तुम नमाजियों को देना चाहोगे उस तरह का मैसेज दोगे, तुम इस तरह से जिहाद के लिए खुतबे दोगे, जिस तरह से जिहाद के लिए नौजवानों को तैयार करोगे। क्या वसीम रिजवी, ये इस देश के अंदर एक ब्रॉडर बहस को खोलता है कि इस देश के अंदर वाकई बड़ी पड़ताल होनी चाहिए कुछ इलाकों की जहां पर ऐसे शक है? बहुत, देखिए कुछ इलाकों की नहीं, बहुत से इलाकों की जांच होनी चाहिए, और वहां पर मदरसों से लेकर जितने भी धार्मिक स्थलों में फंडिंग हो रही है उसकी जांच बेहद जरूरी है, बेहद। अतिकुर रहमान, अगर नहीं करेंगे तो रहमान वांट टू रिस्पॉन्ड। अतिकुर रहमान, अमीश जी मैं आपको बता दूं कि मजहब इस्लाम के अंदर किसी भी तरह का डोनेशन, किसी भी तरह की इल-गॉटन वेल्थ, कोई भी गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ ना ही मस्जिद में लगाया जा सकता है और ना ही पर्सनल काम में लिया जा सकता है। पलवल की इस मस्जिद में हाफिज सईद का गलत छूट है, लग रहा था कि पूरी तरह से भारत के खिलाफ लग रहा था। पूरी तरह से उन लोगों को जो जिम्मेदार है इसके, उन लोगों को घेरा जाए,
लेकिन अभी तक ये कोई भी चीज साबित नहीं हुई है अमित जी, सबसे पहली बात। आपने कौन सी जांच करी अतिकुर रहमान? हिंदुस्तान के अंदर संबित पात्र जी जानते हैं, आपने कौन सी सीआईडी खोल रखी है? किसी भी तरह का डोनेशन टैप नहीं किया जाता है, चाहे वो डोनेशन शिरडी के साईं बाबा का हो, चाहे वो डोनेशन किसी भी चर्च का हो, मंदिर का हो या मस्जिद का हो। अतिकुर रहमान साहब बस यही हिंदुस्तान के अंदर वो इस तरह की कोई वो स्कीम हमारे पास है नहीं। आप ये कह देंगे आप उसको फैला रहे रहमान साहब, अरे इतने आप कैसे लोग फैला रहे हैं? आप लोग बैठकर टीवी डिबेट पर ये चीज दिखाने की कोशिश करते हो कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। अगर के एनआईए की रिपोर्ट है वो भी गलत है, अगर जांच एजेंसी को बड़ी बड़ी लोगों को पकड़ती है, आतंकवादी मारा जाता है, तो वो भी गलत है ना। सारी चीजें आपकी निगाहों में गलत है। आप लोग डिबेट पर इस तरह का सपोर्ट मत किया कीजिए, हमारे नौजवान लड़कों के मुस्तकबिल की बात है। अतिकुल रहमान आपको 10 सेकंड देता हूं, अतिकुल एक सेकंड, वसीम रिजवी एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं तरीका क्या था पैसे देने का। मस्जिद का इमाम सलमान कुछ साल पहले दुबई गया था, दुबई में उसकी मुलाकात पाकिस्तान के एक नागरिक से हुई थी, पाकिस्तानी नागरिक हाफिज के संगठन FIF का था, ये शख्स FIF के उपाध्यक्ष के संपर्क में रहता था, FIF का पैसा सलमान को दुबई के रास्ते आया, मोहम्मद सलमान मस्जिद का इमाम है, उसको ये पैसे मिले, NIA की जांच में ये पता लगा है, और आपने कौन सी CID खोल रखी है जिससे आपको पता लगा है ये भी बताइए। 20 सेकंड लीजिए। NIA की जांच अमित जी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, NIA ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है हमारे पास। इनिशियल रिपोर्ट तो आपके सामने है, इंक्वायरी और उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है अभी। साउथ के मंदिरों के अंदर मैं कुछ दिनों पहले डिबेट के ऊपर था, मिलियंस ऑफ रुपीस आता है जिसका कोई अकाउंट नहीं होता है अमित जी। नहीं, दान पुण्य को आप नहीं, बहुत गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया के मंदिर के अंदर आतंकी मैसेज रहे क्या? क्या बात कर रहे हैं? सबमिट पाता है, रिस्पॉन्स सबमिट पाता है। इमामों को सैलरी नहीं दी जाती है यहाँ पर से, टेरर फंडिंग। मैं इसकी आपत्ति करता हूँ, ये पूरी तरह से ढकोसला है। नहीं नहीं, मैं इस पे आपत्ति करता हूँ और इस पे कहना चाहता हूँ, बड़े प्लेटफॉर्म से मैं इस पे कहना चाहता हूँ, नकारा था तमाम। नहीं नहीं, मुझे इस पे आपत्ति है, आपत्ति है अमित जी, आप मुझे मौका दीजिए। हमारे साउथ इंडिया के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक नहीं कर सकते हैं, आपको साउथ इंडिया में भी देखा जा रहा होगा। इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नहीं नहीं, आप इनको शांत करिए, साउथ इंडिया के साथ ऐसे भद्दा मजाक नहीं कर सकते हैं आप। देखिए अमित जी, मैं पहले मैं कहूंगा अतिकुर रहमान जी, आप ऐसे शब्दों को वापस लीजिए। देखिए आप इनकी आवाज को कम करिए, इस प्रकार से साउथ इंडिया को यहाँ अपमानित करने का मौका नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी। देखिए अतिकुर रहमान जी, आप तुरंत माफी मांगिए, आपने जो साउथ इंडिया के मंदिरों का कंपेरिजन आतंकी फंड से बन रहे मस्जिदों से कंपेयर किया, आप जानते हैं किस प्रकार एक कल्चरल सेंटर है साउथ इंडिया के मंदिर, आप क्या समझते हैं इस विषय को? कोई हाफिज सईद साउथ इंडिया के मंदिर को फंड कर रहा है? कोई आतंकवादी फंड कर रहा है क्या साउथ इंडिया के मंदिर को? आप किस प्रकार की बातें करते हैं? आप इसके लिए तत्क्षणात माफी मांगिए। देखिए अमीश भाई, ये केवल एक मस्जिद का विषय सामने आया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, JNU में जिन्ना का फोटो लगाना, जिन्ना की आरती उतारना। देखिए आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था, सुन लीजिए, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था, आप दूसरों को अभी हिदायत दे रहे थे नहीं बोलने के लिए। क्वेश्चन किया, उसका जवाब आप पहले शांत रहिए, अपने समय पे बोलिएगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं जब समय दूंगा तब आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए अमीश भाई, जाकिर नायक हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल खराब बोलता है, वो हिंदुओं को गाली देता है, जिस प्रकार से वहां जिहाद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, हिंदुस्तान में तो ऐसे भी लोग थे, और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, मैं जाकिर नायक की डिबेट में आता था तो अतिकुर रहमान जी कई बार जाकिर नायक के पक्ष में बोलते थे। हिंदुस्तान में तो ऐसे भी लोग हैं जो ओसामा बिन लाडेन जाकिर नायक के हक में बोलते हैं, AMU की तस्वीर लगा के JNU में आरती लगाने वाले तैयार है, मनन वानी बुरहान वानी के हक में नमाज़े जनाज़े पढ़ने के लिए लोग।
लीजिए, मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, महमूद प्राचा और महमूद प्राचा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा और फाइम बेग भी जुड़ गए हैं। मैं कंतराल ले रहा हूं, लेकिन आपने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली आतिकुर रहमान, साउथ इंडिया के मंदिरों में धरोहर है, जो विरासत उनकी है वो धन दौलत नहीं है, वो विरासत है। और मुझे लगता है कि उनका कंपैरिजन धार्मिक जिहाद की फैक्ट्री से आप करेंगे बेहद निंदनीय और गलत है। अतिकुर रहमान ने एक ऐसी बात बोली जो कि जायज नहीं है, उन्होंने साउथ इंडिया के मंदिरों को जो आतंकी हाफिज सईद मस्जिद को फंड कर रहा है पलवल के अंदर उससे कंपेयर करा। मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों की भावना आहत हुई है, इस शब्द को वापस ले लेना चाहिए। अतिकुर रहमान आपने गलत बोला और मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको ये कहना चाहता हूं। मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में महमूद प्राचा का। महमूद प्राचा, एनआईए का खुलासा क्या यह बताता है कि इस देश में इस्लामिक जिहाद को पनपाने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा जी की बात पर रिएक्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने अब साउथ इंडिया के मंदिरों की चिंता शुरू कर दी है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में शायद मंदिरों की इतनी चिंता नहीं रही है इन्हें, बल्कि क्योंकि ये कहने साउथ इंडिया के मंदिरों के बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्या इन्होंने नॉर्थ इंडिया के मंदिरों से नॉर्थ इंडिया की प्राप्ति की उम्मीद छोड़ दी है? पहली बात ये, आपने बोला ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी बात, जहां तक हाफिज सईद की बात है, वो एक बहुत ही कम अकल और बेवकूफ आदमी है। सऊदी अरब के मस्जिद से पाकिस्तान के मस्जिद से वो बेवकूफ आदमी है ही। देखिए, हाफिज सईद एक बेवकूफ आदमी है और गधा भी है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको बुरा लगेगा। बेवकूफ आदमी वो तो आतंकवादी है भैया, बेवकूफ क्या होता है? नहीं नहीं, बेवकूफ आदमी भी है, नहीं समझदार है। आप देखिए, आप हाफिज सईद का साथ मत दीजिए, ये आप जिन्ना और हाफिज सईद के साथ खड़े होने से कुछ नहीं होता है। संबंध है, मुझे पता है, आप इसको रोकिए मत। सुनिए बात सुनिए, आपके सारे संबंध तो बहुत बार उजागर हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु सुनिए बात। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद जैसा गधा भी मस्जिदों में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर इंडिया को कमजोर करना है तो वो जासूसी पे कम करेगा, ताकि वो मिलिट्री के सीक्रेट ला सके। मिलिट्री के सीक्रेट लाने के लिए कई सारे जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी बोलिए। हाफिज सईद को अगर इतनी सी अकल है तो मस्जिद में या किसी मंदिर में या गिरजाघर में या मंदिर में पैसे लगाने से कुछ भारत के खिलाफ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप पहले समझदारी की बात कीजिए। दूसरी बात ये, एनआईए ने एनआईए ने एक कामरान के बारे में स्टेटमेंट दी है, बाकी सारे निष्कर्ष आप अपनी तरफ से निकाल लें। तो मैं आपसे देखिए, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, परंतु मैं हाफिज सईद की तरह गधा भी नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सुनिए, आप आगे सुनिए, एक कामरान के बारे में सिर्फ एएनआई को नहीं, पर ये महमूद प्राचा, ये हाफिज सईद को आपकी क्लीन चिट किस से है? नहीं नहीं, एक सेकंड महमूद प्राचा, आपने अपनी बात को एक मिनट रखा, एक सेकंड महमूद प्राचा, ये हाफिज सईद को आपकी क्लीन चिट कैसे है? ये हाफिज सईद को आपकी क्लीन चिट कैसे है? आपको एनआईए की जांच पे यकीन नहीं है? आपने कौन सी जांच एजेंसी खोली हुई है जो जैसी जाकिर नायक के समर्थक अतिकुर रहमान ने खोली हुई है, वही जांच एजेंसी आपके पास भी है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एक मस्जिद पकड़ी जाती है जिसमें हाफिज सईद फंडिंग कर रहा है और आप लोग क्लीन चिट देने में रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर साउथ इंडियन टेम्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं। अरे छोड़िए सर, शर्म की बात है आप लोगों के लिए, शर्म की बात है। एनआईए की बात कीजिए, एनआईए की बात करिए, एनआईए जो जांच कर रहा है वो आपके सामने, आप हाफिज सईद को क्लीन चिट दे रहे हैं, कमाल की बात है। कामरान नाम के आदमी जो कि दुबई में काम करता है, उसका नाम लिया है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि उनके तो यूएई से और सऊदी अरब से बहुत अच्छे संबंध है, इस कामरान नाम के व्यक्ति को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ठीक है, सेप्टेम्बर से एक कहानी चल रही है। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रख लिया। वसीम रिजवी जिन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी, उनकी बात से चलूंगा, फिर मैं चरण सिंह सापरा और फहीम बेग के पास जाऊंगा। एक सेकंड वसीम रिजवी, लेट वसीम रिजवी कम इन, वसीम रिजवी रिस्पॉन्ड टू महमूद प्राचा। देखिए महमूद साहब ने जो बात कही कि वो गधे हैं या नहीं है, वो मैं इस पर नहीं जाता, कौन गधा है कौन समझदार है, लेकिन इस देश में आतंकी फंडिंग हो रही है, इस पर नहीं नहीं, आप गधे होंगे या नहीं होंगे, मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूं भाई। मैं कदा ऐसी कोई बात कर रहा हूं भाई, आप इसको बुरा ना मानिए, मैं ये कह रहा हूं कि हाफिज नहीं, आपने ये अल्फाज भी कहे कि मैं लोगों को और आरएसएस को कितना बुरा लगता है, हाफिज सईद अंदर से आप एक दूसरे के साथ हैं, आपको हाफिज सईद की बात इतनी बुरी लग रही है, इतनी बुरी लग रही है हाफिज सईद की बात, क्योंकि आतंक हम लोग अभी ऐसा बहुत अच्छी तरह बार-बार देख चुके हैं।
हिंदुस्तान में जो जिहाद करना चाहता है, हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाना चाहता है, खुल चुके हैं और एक पाकिस्तान हिंदुस्तान में अगर और तैयार होगा तो उसका रास्ता यही है कि धर्म का रास्ता अपनाओ, मस्जिदों में फंडिंग करो, मदरसों में फंडिंग करो, लोगों को तैयार करो धर्म के रास्ते से, एक जिहाद लेके आओ और हिंदुस्तान का एक टुकड़ा और करो, एक हिंदुस्तान का टुकड़ा और करो। और महमूद साहब, मैं आपको पता है, अरे पकड़ा गया, गलत पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, वो गलत पकड़ा गया, क्या वो सही पकड़ा गया, गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। एक सेकंड फहीम बेग, देखिए महमूद प्राचा ये अनफेयर है, आप बीच बीच में बोलते हैं, फहीम बेग पहली बार डिबेट के अंदर आ रहे हैं, वसीम रिजवी आपकी बात का जवाब दे रहे थे, वो आपके बीच में नहीं बोले थे ना, इतनी मर्यादा तो हमें रखनी चाहिए। फहीम बेग, जो खुलासा हुआ है एनआईए द्वारा, क्या वो इस देश के लिए वाकई चौंकाने वाला है और इस देश के लिए एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो इन जिहादियों का समर्थन करते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की सुरक्षा के लिए इस तरह के हादसे रोशनी में आना नुकसानदेह हैं और इसमें पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की और सुरक्षा एजेंसीज की है और उन लोगों की भी है जो धर्म के कर्ता धर्ता हैं। देखिए, अभी एक बात आई कि साउथ इंडिया के मंदिरों को लेकर, तो मैं समर्थन नहीं करूंगा अतीक साहब का। मैं ये कह दूं कि वो गलत है और मैं सही हूं, मैं गलत हूं वो सही है, तो इससे वो गुनाह कम नहीं हो जाएगा। आज अब मुद्दा है कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जा सकता, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूंगा कि क्या हम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी इस बहस से सुरक्षा एजेंसीज की जाँच पर कोई आँच तो नहीं आ जाएगी? क्या हम ऐसे मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी बहुत ही अपनी शुरुआती दौर में हैं? तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा सोच समझ के हमें बहस करनी चाहिए। इस तरह के मुद्दे को हमें राजनीति से प्रेरित होकर नहीं देखने चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर कोई देख रहा है, लेकिन सोच समझने की बात क्या है इसके अंदर? चाहे वो नहीं सोचने और समझने वाली बात क्या है इसके अंदर, जरा विस्तार से बताइए। 15-20 सेकंड लीजिए। सर सर जी सर, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये 2010 से गालिबन ये मस्जिद का जो है निर्माण हो रहा है और रमेश प्रजापति जो हैं वहाँ के मुखिया हैं गांव के, उठावर गांव के, उनके मुताबिक इस मस्जिद में बहुत सारे गांव का पैसा इकट्ठा करके लगा है। हो सकता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति जिनका नाम सलमान है, 52 वर्ष की उनकी उम्र है, और एक सलीम नाम का व्यक्ति है, सलीम सच बोल रहा है, प्रजापति सच बोल रहा है और एनआईए झूठ बोल रही है। लोग, हो सकता है सर, सर अरे सर, हो सकता है ये व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि में मुलव्विस हो जो मेरे देश के लिए नुकसानदेह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं उसको, अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है, अभी प्रीमेचर हमारी जो है एजेंसीज अभी काम कर रही हैं। आप और मैं इस मुद्दे को इस तरह से मीडिया में उछाल कर उन लोगों को कहीं मदद ना कर दें, वो कहीं होशियार ना हो जाए। अगर किसी के आसपास भी ऐसा कोई काम हो रहा हो तो वो भी इत्तला करें अपने नजदीकी पुलिस थाने को। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा मामला है सर? जब नहीं, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है? जांच ना हो जाए सर, जब तक पुख्ता जांच ना हो जाए, सारे तथ्य सामने ना आ जाए, मैं समझता हूं इस पर बहस करना सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए और हमारी जांच एजेंसी का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट भी आ सकती है, क्योंकि हाफिज सईद पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारे देश का नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, उसको कोई ना कोई क्लू कहीं से मिल सकता है। तो इसलिए हमें बहस करनी है आज के मुद्दों पर, जो कुछ कहना चाह रहे हैं सुरक्षा से जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चरण सिंह सापरा की बात जाता हूं। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कोई साउथ इंडिया के मंदिरों की तरफ लेके जा रहा है, कोई दूसरी, कोई दाहिनी तरफ मोड़ रहा है कि अभी इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है उल्टा यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? नहीं, बिल्कुल, एनआईए जो अपना काम कर रही है, एनआईए अपनी तहकीकात कर रही है, उसको करने देना चाहिए। हमारे कुछ बोलने से एनआईए के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस देश की जनता ने, 125 करोड़ जनता ने देश के प्रधानमंत्री को चुन करके भेजा था 4 साल पहले, लेकिन प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। पाकिस्तान के प्रति पिछले 4.5 सालों में कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनी है, केवल जुमले जरूर आए हैं, गोली बोली साथ में नहीं चलेगी, लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सर, हमारे देश में मस्जिद पकड़ी गई है,
पाकिस्तान में नहीं पकड़ी गई है। बलूचिस्तान की बात सुनिए ना, बलूचिस्तान की बात 2016 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राची से की, लेकिन आज तक बलूचिस्तान पर उन्होंने कोई अपना वक्तव्य या कोई अपना कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को चिंताजनक होना चाहिए, सरकार को संगीन होना चाहिए इसमें कि हमको एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान पर हम डिप्लोमेटिक बैन लगा सके, जिसपे हम इकोनॉमिक बैन लगा सके, हिंदुस्तान में पकड़ी गई है सर, पाकिस्तान में पकड़ी नहीं गई है, बात कर सके। नहीं तो मैं यही तो कहता हूं कि हमारा सरकार का फेलियर है, यही तो मैं कह रहा हूं कि ना तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना सके हैं, सरकार का फेलियर है, आपका इंटेलिजेंस काम कर रहा है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। चार साल में पाकिस्तान के जवाब सुन लेते हैं ना, पॉलिसी नहीं बना पाए, हाफिज सईद जो मस्जिद को फंडिंग कर रहा है वो प्रधानमंत्री को भी मारना चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी की भी सांसें बंद करना चाहता है, वो बाइट मैंने प्ले किया। अमीश भाई अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बाइट देखा और लगातार हम हाफिज सईद को सुन रहे हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो जहर उगलता है, उनको भी खत्म करना चाहता है, उनकी सांसें रोकना चाहता है। ये बाइट आपने दिखाया कि किस प्रकार मोदी जी कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इस प्रकार के आतंकवादियों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। यही हाफिज सईद कहता है अपने इंटरव्यू में कि कांग्रेस भारत में बहुत अच्छी पार्टी है और कांग्रेस का शासन आएगा तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए ये तो राहुल गांधी हाफिज सईद का पूरा समर्थन करते हैं। ओसामा जी ये बीच में फिर से बोला, ये बताइए मिस्टर सपेरा आप बीच में क्यों बोलते हैं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। रहमान मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप NIA की जांच को तो जांच नहीं मान रहे, उस मस्जिद को क्लीन चिट दे रहे हैं और उल्टा आप दक्षिण भारत के मंदिरों को उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है बहुत बड़ी? अमित जी ना तो मैंने NIA की जांच को कोई क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है उसको कंप्लीट होने दीजिए, ना ही मैंने ये कहा है कि मस्जिद को पूरी तरह से खुली छूट है कुछ भी एक्सेप्ट करने का, उसके ट्रस्ट को पूरी तरह से घेरे में लिया जा सकता है। तीसरी बात, मैं एक न्यूज चैनल का आपको हवाला दे रहा हूं जिस डिबेट पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, ना सिर्फ फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन बल्कि जो वहां की जो रियल आइडल्स है वो अलग कहानी है, लेकिन आप नहीं, दोनों की दोनों कहानियां अलग है, दोनों कहानियां अलग है। आप लोगों ने कमाल कर लिया, नहीं आप लोगों ने कमाल कर लिया। अयप्पा मंदिर के अंदर महिलाएं जाए इसकी तो मुहिम चल रही है इस देश के अंदर, लेकिन उल्टा मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर हाफिज सईद की फंडिंग निकली है उसको क्लीन चिट मिल रही है यहाँ पर, और उल्टा दक्षिण भारत के मंदिरों से कंपेयर हो रहा है, कमाल का इंसाफ है आपका? बता रहे हैं जब कि उसको इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टिगेट तो हुआ ना, NIA से बड़े आप हो गए क्या? पूरी तरह से नहीं, NIA से बड़ा आप हो गए हैं, या आपका या फिर आपका आका जाकिर नायक हो गया NIA से बड़ा? आपने कौन सी जांच करी बताइए मुझे, जांच तो पूरी होने दीजिए, जांच तो पूरी होने दीजिए, जो NIA ने तब तक जांच करी है उसको आप डिलीट कर रहे हैं पूरी तरह से, और ये कह रहे हैं दक्षिण भारत के मंदिर में जाकिर नायक को आसानी से घेरा जा सकता है, उन्होंने कहां चार्जेस साबित किए, NIA ने डाइल्यूट कर दिए चार्जेस, छोड़िए ना बाप, एक्सपोज हो गया आप इस डिबेट के अंदर, NIA ने डाइल्यूट किए चार्जेस, देखिए आप। ओके संबित पात्रा, 30 सेकंड संबित पात्रा, फिर वसीम रिजवी। देखिए अमित जी, बड़ा आश्चर्य लगा कि एक NIA जहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है पाकिस्तान फंडेड मस्जिद के ऊपर, वहीं कुछ मंदिरों के विषय में कंपेयर किया गया। मैं आपको बताता हूं, आपने न्यूज में भी दिखाया होगा कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर मस्जिदों पर से बंद का कॉल दिया जाता है, बंद हो और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगे, इसका आह्वान मस्जिदों के अंदर से होता है, कोई पहली बार नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है। बुरहान वानी जब मारा गया तो बुरहान वानी के पक्ष में और तमाम आतंकवादियों के लिए नमाज जनाजा मस्जिद में होता है कि नहीं, आप बता दीजिए। वहाबिज्म जिस तरह फैल रहा है ये चिंता का विषय है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पूरे देश में जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है,
उसका ये नजारा है आज कि कुकुरमुत्तों की तरह मशरूमिंग हुआ है पूरे देश में वहाबिज्म और पाकिस्तान फंडेड आतंकी संगठनों का, मस्जिदों का, मदरसों का। और आपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपने एक मस्जिद देखा होगा जहां जनगण मन गाने से मना कर दिया गया कि कम मरते हैं सिविलियन ज्यादा मरते हैं। तो लश्कर ए तैयबा ने तुरंत बोला कि गुलाम नबी आजाद की जो राय है उस राय से हम सहमत है। बोला कि नहीं बोला, चिट्ठी निकाल कर बोला, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, तो क्या अमीश जी आप मुझे ये बताओ, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आम जनता जो बेकसूर जनता है वो मर जाए, उसको गोलियां मार दी जाए? क्या आप हमारे हमारे देश की आर्मी अपने लोगों को मारती है वहां पर? मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। अगर गुलाम मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। उन्होंने ये नवजोत सिंह सिद्धू में, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू में, चरण सिंह साहब ने फर्क क्या हुआ फिर? उन्होंने ये कहा कि इसमें आम आदमी नहीं मरना चाहिए। अरे नहीं मरना चाहिए, एक चिंता थी वो, उन्होंने चिंता जताई है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि गोलियों से मरने चाहिए क्या लोग? तो ये कमाल की बात है। नहीं, जिस बात पे सर्टिफिकेट आपको लश्कर ए तैयबा देगी आप उस बात, कमाल की बात है। ओके, मैं मूत्राचा 10 सेकंड, फाइनल 10 सेकंड, मैं मूत्राचा 10 सेकंड। ये है कि मैं संबित पात्रा जी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा और भारतीय मुस्लिम सबसे आगे। सर, भारतीय मुस्लिम की पैरवी आप ना करें और पूरा देश खड़ा होगा। फिलहाल आपको जरूरत है आपको खड़े होने की और आप खड़े नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आप देखते रहिए आर पार, देश का सबसे बड़ा डिबेट शो। निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, एंड देयर इज नो डाउट टू दैट।